जिस धरती पर हम रहते हैं उसकी संरचना अलग अलग है। हम आउटर क्रस्ट पर रहते हैं, यहाँ पर महाद्वीप हैं, समुद्र हैं और नदियां हैं, लेकिन जो इनर कोर है वो लगभग 5000 किलोमीटर नीचे है और ये चंद्रमा के आकार का है। और उसके बाहर जो लिक्विड स्टेट में आउटर कोर है, फिर मेंटल है, फिर आउटर क्रस्ट है। तो जो इनर कोर है वो मेंटल के इंडिपेंडेंटली रोटेट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिसर्च अभी हुई है पेकिंग में, जो चाइना में है, उन्होंने रिसर्चर्स ने बताया है कि ये एक साइकिल होती है रेजोनेंस की तरह, यानी कि 70 साल की साइकिल है, जो 35 साल वो एक डायरेक्शन में घूमता है, उसके बाद वो स्लो डाउन हो जाता है, रुक जाता है, फिर दूसरी डायरेक्शन में घूमना शुरू होता है। ये पता कैसे लगा? ये जो सिस्मिक जोन को स्टडी किया गया साउथ अलास्का से लेकर के अटलांटिक के बीच में 1967 से 1995 के बीच में जो सिस्मिक वेव्स थी उनके जो टाइम ट्रेवल जो था उसका जो डिफरेंस था, उससे पता लगा कि पहले ये फास्ट मूव कर रहा था, पिछले डेकेड में ये धीरे हुआ है, अब जाकर के रुकने लगा है और उसके बाद ये फिर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। यानी इससे कोई भी हमें खतरा नहीं है, यानी कि धरती को इससे कोई भी खतरा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सदियों से ऐसा होता आ रहा है, पता अब जाकर के हमें लगा है, तो इससे कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है।